तुम्हें दिखाते हैं हालात क्या कर दिए मौसम ने। गेहूं वैसे हमारे खड़े हैं, हालांकि मोमेंटम में मामला चलता रहे। तो जी सभी दोस्तों को नमस्कार, और जिनका भी जन्मदिन हो उन्हें बधाई हो। आज की जो हमारी नमस्ते है वो सुबह सुबह की, वो घर से ही है। क्यों वो दिखाते हैं तुम्हें बाहर गुजरा। वो इस वजह से क्योंकि आज तो बारिश हो रही है सुबह से ही, तो जिम की भी लग गई आज छुट्टी। और जो है मंगलवार है आज, तो आज व्रत ही है। आज तो अगर मौसम ऐसी रहेगा तो घर ही रहना पड़ेगा, या देखते हैं क्या करते हैं आज का दिन। ऊपर वाले का डीजे बदस्तूर जा रही है आज भी, कल भी बज रहा। बादल तो है ही भयानक, बारिश इस टाइम तो रुक गई है, लेकिन कितनी देर रुकेगी वो भगवान ही जाने। बारिश लगातार हो रही है, कुछ काम ऐसे होते हैं जो बारिश में ना होने चाहिए, वो हो जाए। मैं सिलेंडर गैस ख़त्म हो गई, अब ज़रा गैस लेके आऊँ, अब सिलेंडर को पहना लें ज़रा कपड़े। जी बना दिया ऐसे, अब चलें ज़रा लिया मैं सिलेंडर। आज का जो मौसम है ये तो घूमने फिरने का ही है। रिश्तेदारी पहुंच जाओ, सब रिश्तेदार घर मिलेंगे। अगर इतनी भीड़ रहने लगे सड़कों पे जितनी अब है तो लॉकडाउन का एहसास हो रहा है इस टाइम। बिल्कुल जैसे लॉकडाउन में ही सड़क है वैसे ही है आज भी। सिलेंडर तो लिया हमने, ले अब जरा चौराहे पे से। आज मंगल का व्रत है हमारा, तो कोई फल लिया मैं, कुछ खा पू लेंगे दिन में। फल ले लिए हैं, सिलेंडर रखिए, अब चलते हैं घर की तरफ को। तुम्हें दिखाते हैं हालात क्या कर दिए मौसम ने। मौसम में खैर मजा तो आ गई है, बारिश के मौसम में मज़ा भी डिपेंड कर रहा है, हर आदमी के लिए अलग है। किसी के लिए तो बड़ा टेंशन दी होगी इस बारिश ने।
से कोई काम इमरजेंसी का रह गया होगा तो उसे दिक्कत ही दिक्कत होगी। देखो जी इस रास्ते पे दिखाता हूँ तुम्हें बारिश के आलम, जिन्होंने गेहूं में चला दिया पानी ऐसी 5-6 दिन पहले तो उनके तो खैर बिल्कुल चित्त हो गए कतई। देख लो सामने खेत पूरा, दूर तक ये गेहूं ऐसा दिखाई ना देगा इसमें से, दूर तक गिर गए गेहूं यार। और जिनका पानी ना लगा उनके का शायद खड़े हैं ये, यही वजह हो सके। हल्के हल्के हरवीर सिंह के भी झुक गए हैं, जहां जहां हवा का झोंका आ गया तो ये देखो ये नतमस्तक हो गया थी। ये शीर्षासन कर रहे हैं गेहूं। लो जी आधा घंटे पहले बारिश रुक गई, अब बज रहे हैं 12:30, 12 बजे के आसपास रुक गई बारिश। मौसम बढ़िया हो गया, अब तो बारिश पड़ी अब ठीक ठाक जम के। देख लो ये खेत पलेवे का डबल हो गया इसमें हरवीर सिंह के। मैं भी जरा खेत पे हो गया हूँ, जो गन्ना बोया उसमें देखूँ पानी तो न खड़ा कहीं। जी हमारे खेतों का तो आलम यो है इस वाले का, तो जब सबसे आखिर बोया जहाँ तहाँ को भर गया पानी। ऊपर वाले खेतों में भी देखूँ कैसे आलम है। गेहूँ वैसे हमारे खड़े हैं, हालांकि कद में भी छोटे ही हैं वैसे तो, गायों ने खा लिए है तो कुछ छोटे भी रह गए। फिर ये बीज भी दूसरा है, लेकिन इसमें पानी ना दिया, इसी वजह से तो पानी लग गया इसका। इस बारिश का लाभ चाचा को मिला वैसे तो सही, जो पले बना होया इनका खेत का, जितना हुआ खेत पड़ा बिल्कुल सूखा, पानी की एक बूंद ना दिखाई दे रही है खेत में, सब पी गई और सबसे बढ़िया पले हुआ हो गया इनका और जल्दी तैयार हो जाएगा। अपना आराम से बोवा के छुट्टी करेंगे ये भी टाइम से। लो जी इधर का धकू निकल लिया है, इधर का धकू निकल लिया है, फिलहाल गन्ने जी कर दिया हमने काम यो 25 है। धूप जो है फुल फ्लो में निकल रही है, इसी वजह से इन खेतों में रपड़ों का काम हो जाएगा। जो 3-4 दिन में ऊपर की परत सूख जाएगी वो रपड़ा बन जाएगा, वो तो फोड़ना ही पड़ेगा मुझे लग रहा है। इस खेत में तो खैर कम से कम फोड़ना ही पड़ेगा, इसकी तो गारंटी है। इन दोनों का पता नहीं, जो थोड़े से मैं 2 दिन पहले बोए, अब देखते हैं क्या समीकरण रहते हैं। इसी लगन लगी इसे निकालू पर ताम जा। खेत का मुआयना तो गया हो, अब हम चल रहे हैं घर को, देखेंगे और क्या दूसरे खेत पे जाऊं या क्या करूंगा। तो जी शाम का हो रहा वक्त, अब मौसम हो के आलम है ये जी, इतनी बारिश पड़ी है पानी खड़ा हो गया, गाड़ी ना खिचरी बैल से भी। हमने गड़बड़ी बाड़ दी यहाँ कुछ, चल भाई चल चल तेरी ऐसी तैसी, चल 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 फटाफट खाली खावा है, चल कुछ मेहनत करेगा मस मास पे ही बढ़ेंगी तेरी। काल तो लाया बैल, पूरी ताकत लगाई है आज इनने अपनी जिंदगी की जितनी भी रुकी हुई ताकत। खाली गाड़ी निकल रही परहेल में से, आज इसने बेचारे ने हिम्मत करी है, इसकी हिम्मत ही बढ़ गई होगी आज।